हेलो एवरीवन, ये 21 इंच का टैक्सल टीवी है, सीआरटी टीवी। तो उससे हम सबसे पहले एसी लाइन देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसे एसी लाइन दे दी है, तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टीवी में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एच लाइन की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसकी पावर ऑफ करेंगे और उसके बाद हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे। तो हम इसका जो है बैक कवर खोल लेंगे। हमने इस टीवी का बैक कवर खोल लिया, तो हम इसके बाद इसकी पीसी बोर्ड जो है निकालेंगे। तो साउंड के जैक निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम बोर्ड बाहर निकालेंगे। ये रहा इस टीवी का फंक्शन आईसी, और ये रहा प्रोसेसर आईसी, प्रोसेसर और ये मेमोरी। ये इसका पीसीबी नंबर है। उसके बाद हम इस बोर्ड को उल्टा करेंगे। जब कभी भी बीपीएल और ये जो टेस्ला की पीसीबी बोर्ड है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए, तो हम सबसे पहले इसमें आईसी लगाते हैं। LA3840 वर्टिकल आईसी है, तो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है 2764 PNP ट्रांजिस्टर है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका, ये हो गया, ये देखिए अमीटर, कलेक्टर और बेस। तो आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं, ये जो सप्लाई जाती है ये सीधे वर्टिकल आईसी को जाती है, और ये ही आप ट्रैक करके देख सकते हैं। ये जो यहाँ ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगाता है, इसे चॉपर भी कहते हैं, यहाँ जाती है। सप्लाई बिल्कुल ओके होती है। ये जो पीसीबी बोर्ड है यानी कि किट है, तो यहाँ अमीटर में 22 के लगभग वोल्टेज आने चाहिए और बेस में भी। तो हो सकता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है शॉर्ट हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। हम मीटर को डीसी वोल्टेज में सेट कर लेंगे 200 की रेंज पे। तो ये हमने डीसी 200 की रेंज पे वोल्टेज सेट कर दिए हैं, और जो ब्लैक वाली प्रोब्स होती है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। तो आप कहीं भी ब्लैक प्रोब्स को ग्राउंड कर सकते हैं। मैंने ये ब्लैक प्रोब्स यहाँ लगा दी है। उसके बाद हम एसी लाइन देंगे। हमने एसी लाइन दे दी है, तो आपको मैं 110 की सप्लाई चेक कराता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 110 की जो सप्लाई है, और मैं इसके ये जो ट्रांजिस्टर लगा है इसके मीटर में वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो वोल्टेज है बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। तो हम इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले खोल के चेक करेंगे। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को खोल लेता हूँ। हम एसी लाइन निकाल लेंगे। ये जो ट्रांजिस्टर लगा है 764, तो इसे हम खोल लेते हैं।
ये रहा फ्रेंड्स 2664 ट्रांजिस्टर। अब हम इसे चेक करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये, तो मीटर को कंटिन्यूटी मैंने सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर है शॉर्ट हो गया है, इसकी दोनों टांगे बिल्कुल शॉर्ट हैं, बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसकी जगह पे हम सेम ट्रांजिस्टर डाल देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है ठीक होती है कि नहीं होती है। तो हमने दूसरे बोर्ड से ये ठीक ट्रांजिस्टर निकाल लिया है, इसे चेक करेंगे, कोई भी कंपोनेंट है चेक करके डालें। ये ओके है, तो हम इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड में लगा देंगे, पीसीबी बोर्ड में। हमने ट्रांजिस्टर इसमें लगा लिए, अब उसके बाद हम सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग ध्यान से करें, ट्रांजिस्टर की जो टांगे हैं जुड़े नहीं आपस में। ब्रश के साथ साफ कर देंगे क्योंकि यहाँ सफाई बने रही है। ये जो सेट ऑन हो चुका है, तो मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ इसके मीटर में। ये जो ट्रांजिस्टर हमने डाला है, ये देखिए 24 की सप्लाई आ रही है, ये जो आईसी वर्टिकल आईसी को जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। हमने सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर है 764 ये चेक कर लिया, अगर ये बिल्कुल ओके होता तो हम ये जो वर्टिकल आईसी है इसको चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये स्क्रीन जो है खुल चुकी है, लेकिन इसमें रिट्रेस लाइनें आ रही हैं। ये देखिए, वाइट एंड ब्लैक रिट्रेस लाइन आ रही है इसमें। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको दूसरे भाग में दिखाऊंगा, ये जो वाइट एंड ब्लैक रिट्रेस लाइनें आ रही हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दूसरे भाग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।